गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम क्या करेंगे? हिंदी राइटिंग बुक पेज नंबर 3। हिंदी राइटिंग बुक पेज नंबर 3 शब्द सुलेखन बुक यानी अक्षर सुलेखन। हाँ, पेज नंबर 3। ये 3 में क्या है? बड़ा से आम, है ना? आम बड़ा से आग। देखो आग कैसे जल रहा है ना। लिखा है आ से आम ही मीठा ताजा, कहते इसे फलों का राजा। फलों का राजा कौन है बच्चे? आम। फलों का राजा कौन है? आम। ठीक है, हाँ फलों का राजा आम होता है। हाँ, बड़ा से आम, बड़ा से आग, है ना? आज हम बड़ा से आम भरेंगे। ठीक है, बुक में तो निशान लगा हुआ है, बिंदु लगा हुआ है, उसके ऊपर हम पेंसिल चलाएंगे। क्या करेंगे? पेंसिल चलाएंगे, है ना? अच्छा देखो, ऐसे अस अनार की तरह हम बड़ा से आम लिखेंगे, उसमें दो डंडा है ना? अस अनार में एक डंडा है, बड़ा से आम में दो डंडा है ना बच्चे? हाँ, बड़ा से आम, बड़ा से आग। आम क्या है? फलों का राजा है ना बच्चे? आम फलों का राजा है, बड़ा से आम, बड़ा से आम। हाँ, ऐसे बड़ा से आम भरेंगे। ठीक है, फलों का राजा आम है। अभी तो बहुत आम है ना, आप लोग खा रहे होंगे घर बैठे बैठे, बहुत मीठा आम है ना, बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए तो फलों का राजा है आम, है ना बच्चे? हाँ, आम बहुत स्वादिष्ट है, हाँ देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, खाने में भी और अच्छा लगता है ना बच्चे? ऐसे बड़ा से आम, बड़ा से आम क्या है? बड़ा से आम। देखो यहाँ ऐसे बड़ा से आम, अस अनार में एक डंडा, बड़ा से आम में बच्चे दो डंडा, है ना? बड़ा से आम में कितना डंडे बच्चे? दो। अस अनार में एक डंडा, है ना बच्चे? देखो पढ़ पढ़ के लिखोगे, याद भी हो जाएगा और लिखना भी आ जाएगा, है ना बच्चे? बड़ा से आम, बड़ा से आम। हाँ ठीक है, इस तरह पूरा पेज भर लेना। ठीक है बच्चे, पूरा पेज आप लोग भर लेना, यहाँ खाली है ना, यहाँ आप लोग बड़ा से आम लिखोगे। और सोनार में एक डंडा, बड़ा से आम में देखो दो डंडा है ना? फलों का राजा कौन है? आम। बड़ा से आम, बड़ा से आग, है ना बच्चे? इस तरह आप लोग यहाँ तक पूरा पेज भर लेना, बड़ा से आम। ठीक है, पूरा पेज आप लोग भर लेना। मैं ये लाइन लिख के दिखा देती हूँ और उसके बाद आप लोग पूरा भर लेना। ठीक है, पढ़ पढ़ के भरोगे तब याद हो जाएगा। ठीक है, बड़ा से आम यहाँ खाली है बच्चे, बड़ा से आम लिखना। हाँ, पेंसिल नहीं है ना, बिंदु नहीं लगा हुआ है, आप पेंसिल से सिर्फ लिखोगे। ठीक है, नहीं लिखोगे तो लिखना कैसे सीखोगे आप लोग, है ना? लिखना सीखना जरूरी है, फिर अगले साल LKG क्लास में जाओगे, हाँ नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा? हाँ, सब बोलेंगे ये बेकार बच्चा है, अच्छा लड़का नहीं है, अच्छा बच्चा नहीं है। अच्छे बच्चे जो है पढ़ते हैं, हाँ पहले पढ़ना, उसके बाद मोबाइल देखना और TV देखना, घूमना, खेलना, पहले पढ़ाई उसके बाद और कुछ। ठीक है बच्चे, हाँ देखिए बच्चे, हाँ लिखना सीखना जरूरी है, नहीं लिखना सीखोगे तो पेपर में नंबर अच्छा नहीं आएगा, हाँ पेपर में नंबर नहीं आएगा तो फेल हो जाओगे, है ना बच्चे? तो जो अच्छा नंबर रखेंगे उनको अच्छा बच्चा बोलेंगे,
जो अच्छा नंबर नहीं रखेंगे उनका अच्छा बच्चा थोड़ी बोलेंगे, है ना, बोलेंगे बच्चा पढ़ता है नहीं, लिखेगा कैसे, है ना। इस तरह आप लोग देखो ये पूरा लाइन खाली है, इसमें आ से आम, बड़ा से आम, क्या लिखोगे, बड़ा से आम, बड़ा सा आम में असनर में एक डंडा, बड़ा सा आम में दो डंडा, हो गया पूरा पेज भर गया। इस तरह आप लोग पूरा पेज भर के ले आना स्कूल में, मैं रहती हूँ 11 बजे तक, मैं चेक कर लूँगी। ठीक है बच्चे, थैंक यू बच्चे।